हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल चलिए बिना किसी देरी के कि, आज हम 1.6 पॉइंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमारा फाइंड 64 की पावर वन पॉइंट टू ये हमें 64 की पावर वन आइंट टू दे रखे है इसको हमें सॉल्व करना है ठीक है देखिए ऐसे दे रखा है तो सिक्सटी को हम हमें यहाँ पे वन पॉइंट है तो हमें कुछ ऐसा बनाना है कि यहाँ पे जो भी डिजिट लिखेंगे उसकी पावर टू हो जिससे कि हम टू से टू को ईज़िली कैंसिल कर सकें ठीक है तो सिक्सटी फोर है तो चलिए सिक्सटी फ़ोर को आप कैसे करेंगे तो एट एट 8 एट 8 जा सिक्सटी 8, फोर 8 जा होता है तो एट की पावर टू होती है सिक्सटी फ़ोर ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं एट की पावर टू लिख सकते हैं और यहाँ है हमारा वन अपॉइन्ट टू तो ये मल्टीप्लाई में है तो हम ब्रैकेट हटाएंगे तो एट की पावर टू इन वन टू तो इस टू से हमारा ये टू कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया एट की पावर वन तो एट की पावर वन मीन्स एट आ गया ठीक है तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ सेकेंड पार्ट क्या है हमारा थर्टी टू की पावर वन अपॉन फाइव अब हमें थर्टी टू को इतना छोटे से छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना है कि उसकी पावर फाइव बन जाए चलिए मैं आपको एक मेथड बताती हूँ इसका कैल्शियम ले लीजिए तो थर्टी टू को टू से करेंगे टू वन जे टू टू सिक्स जो ट्वेल्व टू एट जै सिक्सटीन टू फोर जै एट टू टू ज फोर और टू वन जै टू थर्टी टू की कितनी आ गई टू की वन टू थ्री फोर फाइव टू की पावर फाइव आ गई हमारी तो चलिए थर्टी टू को हम क्या लिख सकते हैं टू की पावर फाइव और हमारे पास पावर भी कितनी है वन अपॉन फाइव टू की पावर फाइव इंटू वन अपॉन फाइव सेम फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा हमारा और यहाँ पे आ जाएगा टू की पावर वन तो टू की पावर वन मीन्स टू आ गया समझ में आया आपको चलिए थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या है हमारा थर्ड पार्ट पे आते हैं थर्ड पार्ट है हमारा वन अपॉन ट्वेंटी फाइव की पावर वन अपॉन थ्री सेम प्रोसेस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव को हमें छोटे से छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना है पावर कितनी बनानी है थ्री इस चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ पे देख के ही हमें इसकी पावर बनानी है तो वन अपॉन ट्वेंटी फाइव को फाइव से करते हैं फाइव टू जो टेन फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव और फाइव एन जो फाइव तो फाइव की पावर थ्री आ गई यहाँ भी थ्री है हमें यही चाहिए तो फाइव की पावर थ्री और यहाँ पे हमारा वन अपॉइंट थ्री फाइव की पावर थ्री इंटू वन अपॉइंट थ्री थ्री से थ्री कैंसिल हो गया हमारा तो यहाँ पे आ गया फाइव की पावर वन तो फाइव का पावर वन मीन्स फाइव ठीक है तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है हमारा फाइंड इसमें भी हमें सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट है हमारा नाइन की पावर थ्री अपॉइंट टू अब नीचे हमें नीचे से हमें हटाना है इस चीज़ का ध्यान रखिए हमें नीचे जो है ना वन बनाना है तो जैसे नाइन की पावर थ्री अपॉइंट टू है नीचे टू है तो हमें नाइन को ऐसे पार्ट करने है कि हमें पावर टू मिल जाए तो जैसे नाइन थ्री थ्री या नाइन होता है तो थ्री की पावर टू लिख सकते हैं हम नाइन को और ये हमें दे रखा है थ्री अपॉइंट टू ठीक है तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं थ्री ब्रैकेट हटा देते हैं टू इंटू ब्रैकेट हटाते ही मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे ठीक है तो इस टू से हमने इस टू को कैंसिल कर दिया तो थ्री की पावर थ्री वन गई क्योंकि यहाँ पे वन आएगा और वन थ्री जा थ्री वन जा थ्री होता है तो थ्री की पावर थ्री को आप कैसे लिख सकते हो थ्री इं थ्री इंटू थ्री ठीक है टेबल पढ़िए थ्री थ्री जहाँ नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया अब आते हैं सेकंड पार्ट पे सेकंड पार्ट है हमारा सिक्सटीन की पावर थ्री अपॉन फोर ठीक है इसको आप कैसे लिख सकते हो इसमें सिक्सटीन का करके देख लेते हैं टू एट जा सिक्सटीन टू फोर जा एट टू टू जा फोर और टू वन जा टू टू की पावर फोर आ गई नीचे भी फोर है हमें यही चाहिए टू की पावर फोर और थ्री अपॉन फोर ब्रैकेट हटाइए ब्रैकेट हटाते ही मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है इस फोर से ये फोर कैंसिल हो गया यहाँ वन आ गया वन थ्री जहा थ्री टू की पावर थ्री टू की मल्टीप्लाई तीन बार टेबल पढ़िए टू टू जा, फोर फोर टू जा एट, ठीक है सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ थर्ड पार्ट क्या है हमारा थर्टी टू की पावर टू अपॉन फाइव थर्टी टू को मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में थर्टी टू को एसीएम एलसीएम लेके निकालेंगे निकाल लीजिए टू की पावर फाइव आ जाएगी और यहाँ भी टू की पावर टू अपॉन फाइव है टू की पावर फाइव इन टू टू अपॉइन फाइव फाइव से फाइव कैंसिल वन आ गया टू वन जो टू तो टू की पावर टू टू इंटू टू और टू टू जॉ फोर थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया अब फोर्थ पार्ट देख थर्ड पार्ट है हमारा वन अप वन टू फाइव की पावर माइनस वन अपॉन थ्री वन ट्वेंटी फाइव है ये भी हमने पहले किया था फाइव टू जो टेन फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव फाइव वन जो फाइव फाइव की पावर थ्री आ गई हमें थ्री चाहिए था माइनस वन अपॉन थ्री ब्रैकेट हटाएंगे फाइव की पावर थ्री इंटू माइनस वन अपॉइंट थ्री थ्री से थ्री कैंसिल कर दिया मैंने तो ये आ गया हमारा फाइव की पावर माइनस वन क्योंकि माइनस का साइन है तो अगर माइनस वन में पावर होती है तो उसको प्लस बनाने के लिए हम अपॉन में लिख देते हैं वन अपॉन फाइव जैसे ही फाइव ये नीचे आ गया तो ये माइनस वन प्लस वन में कन्वर्ट हो गया ठीक है चलिए ये सवाल हमारा यहीं ख़त्म हो गया आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा टू की पावर टू अपॉइंट थ्री इंटू टू की पावर वन अपॉइंट फाइव ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टू की पावर क्या दे रखा है हमें टू अपॉइंट थ्री देखिए यहाँ भी डिजिट सेम है टू और टू सेम डिजिट है ना जब डिजिट सेम होता है तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊपर हमारा टू की पावर थ्री ये हमारा प्लस में ये एक फार्मूला होता है मैं आपको लिखवा देती हूँ जैसे कि एक्स की पावर अगर हमारा ए है इनटू में एक्स की पावर हमारा बी है तो ये हो जाता है एक्स की पावर ए प्लस बी ठीक है दिख रहा है आपको अच्छे से ए प्लस बी तो यही मैंने यहाँ पे लगाया है मेरी यहाँ पे डिजिट सेम थी जैसे यहाँ पे भी डिजिट सेम है एक्स तो पावर प्लस हो गई तो यहाँ पे डिजिट सेम है तो पावर हमारी यहाँ पे जुड़ जाएंगी ठीक है चलिए अब हम अंदर जो पावर है उनको सॉल्व करते हैं टू अपॉइंट थ्री प्लस वन अपॉइंट थ्री नीचे का लग गया तो एल सी एम लीजिए थ्री और फाइव का लीजिए थ्री फाइव का अगर हम लेते हैं थ्री वन जा थ्री फाइव वन जा फ़ाइव तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो नीचे हमारा एल सी एम फिफ्टीन आ गया अब थ्री के टेबल में फिफ्टीन कितनी बार में आता है फ़ाइव बार में तो फाइव की मल्टीप्लाई ऊपर टू से कीजिए फ़ाइव टू जा टेन प्लस फिफ्टीन जो है फाइव के टेबल में कितनी बार में आता है थ्री बार में तो थ्री बार में आता है तो थ्री की मल्टीप्लाई हम ऊपर वन से करेंगे थ्री वन जा थ्री ठीक है चलिए अब टू की पावर है ये सब कुछ तो टेन प्लस थ्री क्या हो गया थर्टीन और नीचे वन पाई फिफ्टीन तो टू की पावर हमारी क्या आ गई थर्टीन अपॉन फिफ्टीन समझ में आया चलिए चलते, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ नेक्स्ट पार्ट है वन अपॉन थ्री की पावर थ्री और सब की पावर सेवन ओके तो पहले हम वन अपॉन थ्री की पावर थ्री को सॉल्व कर लेते हैं वन अपॉन थ्री की पावर थ्री तो यानी कि थ्री कितनी बार है ये तीन बार है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री और सब की पावर क्या है ये सेवन है तो ये है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री की पावर थ्री अगर हम इस थ्री की पावर को ऊपर लेके जाएंगे जैसे हमारा ये है क्वेश्चन इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो सॉरी थ्री की पावर माइनस थ्री बन जाएगा ये ठीक है जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे नीचे है प्लस में जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा और सेवन तो हमारा प्लस में है ही ऊपर ही तो सेवन जो है वो सेवन ही रहेगा तो सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन ये जब हम यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन तो थ्री की पावर माइनस का ट्वेंटी वन आ गया समझ में आया आपको तो हमें ये स्टेप वैसे करने की ज़रूरत थी नहीं पर मैंने आपको खोल के दिखा दिया समझाने के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है हमारा सिम्प्लीफाई टू की पावर टू अपॉन थ्री इंटू टू की पावर वन अपॉन फाइव चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं टू की पावर टू अपॉन थ्री इंटू टू की पावर वन अपॉन फाइव इन इसका मतलब है मल्टीप्लाई ठीक है चलिए यहाँ देखिए ये डिजिट और ये डिजिट सेम है जब हमारे ये नीचे के डिजिट सेम होते हैं तो ऊपर की पावर्स जो होती है क्या होती है आपस में जुड़ जाती हैं मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ क्या लिख लीजिए ए की पावर एक्स की पावर अगर ए लेते हैं इंटू एक्स की पावर ही अगर हमारी बी आती है यानी कि एक्स एक्स सेम है तो ये हो जाता है एक्स की पावर ए प्लस बी जुड़ जाती है पावर्स आपस में ठीक है तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है टू की पावर टू अपॉइन थ्री इंटू टू की पावर वन अपॉइन फाइव तो हमारी आपस में पावर्स जुड़ जाएंगी टू टू की पावर टू अपॉइंट थ्री पावर्स जुड़ गई तो वन अपॉइंट फाइव ठीक है अब इसमें क्या करेंगे हम पावर्स को सॉल्व करते हैं पहले थ्री और फाइव का आप एलसीएम लीजिए थ्री एंड फाइव का नीचे एलसीएम लीजिए थ्री वन जा थ्री एंड फाइव वन जा फाइव आपस में मल्टीप्लाई कीजिए थ्री फाइव जो फिफ्टीन तो हमारा एलसीएम कितना आ गया फिफ्टीन अब थ्री का टेबल पढ़ते हैं थ्री के टेबल में फिफ्टीन कितनी बार में आता है फाइव बार में आता है तो फाइव के ऊपर टू में क्या करेंगे मल्टीप्लाई फाइव टू जा टेन प्लस का साइन अब फाइव की टेबल में फिफ्टीन कितनी बार में आता है थ्री बार में आता है तो थ्री की हम ऊपर वन में मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री वन जा थ्री ठीक है तो ये हो गया हमारा टू की पावर टेन प्लस थ्री थर्टीन अपॉन फिफ्टीन समझ में आ गया टू की पावर थर्टीन अपॉन फिफ्टीन हमारा आंसर हो गया क्लियर नाउ सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट इज वन अपॉन थ्री की पावर थ्री होल पावर सेवन ये होल पावर सबकी पावर सेवन है तो इसको हम पहले खोलते हैं देखिए कैसे वन की पावर भी सेवन हो गई और थ्री अपॉन थ्री की की पावर थ्री तो है ही साथ में सेवन भी है ठीक है क्योंकि ये सेवन जो है वन की भी और थ्री की है सब पे पावर लगाया हुआ है तो हम इसको सेपरेट करते हैं तो वन की पावर सेवन हो गया थ्री की पावर थ्री तो है ही और सेवन भी हो गया इसको सॉल्व करते हैं तो वन अपॉन अब देखिए थ्री की पावर ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो वन अपॉन थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्लियर चलिए अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ थर्ड पार्ट है हमारा इलेवन की पावर वन अपॉइंट टू एंड इलेवन की पावर वन अपॉइंट फोर तो इलेवन की पावर वन अपॉइंट टू अपॉन में है इलेवन की पावर वन अपॉइंट फोर देखिए इसका फॉर्मूला होता है लाइक एक्स अपॉन ए नीचे एक्स अपॉन बी सेम है ये एक्स और एक्स इसकी पावर ए है और बी है तो इसमें क्या हो जाता है पावर जो है ये ऊपर जाके माइनस में आ जाती है एक्स तो देखिए डिजिट सेम थी तो एक्स है और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी ठीक है तो इसमें भी हम यही यूज़ करते हैं इलेवन तो है ही नीचे ऊपर इसकी पावर जो है वो अब क्या हो जाएगी अगर ये वाला इलेवन ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी ठीक है इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में लिख लीजिए अब टू और फोर का हम एल्सीयम लेते हैं टू और फोर का आप एल्सीयम लेके देख दिखाती हूँ मैं आपको टू वन जा टू, टू 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 जा फोर अगेन टू वन जा टू अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए टू, टू टू जा फोर तो एल्सीय क्या आ गया हमारा फोर आ गया अब टू की टेबल में फोर कितनी बार में आता है टू बार में आता है तो जो टू बार में आता तो में तो है तो टू की मल्टीप्लाई ऊपर में कीजिए तो ऊपर वन है तो टू वन जा टू माइनस फोर की टेबल है फोर वन बार में आता है तो वन की मल्टीप्लाई ऊपर वन में करेंगे तो वन वन जा वन इलेवन की पावर क्या हो जाएगी टू में से सेवन गया वन अपॉन फोर तो हमारा इलेवन की पावर आ गई वन अपॉन फोर ठीक है ये क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व हो गया फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट क्या है हमारा सेवन की पावर वन अपॉन टू इंटू एट की पावर वन अपॉन टू ठीक है तो अब इसमें देखिए यहाँ पे डिजिट अभी तक हमारी सेम रहती थी बट इसमें क्या हो गया है चेंज हो गया है इसमें पावर सेम कर दी है तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे अगर एक्स की पावर हमें ए दे रखी है इंटू वाई की पावर ए दे रखी है तो वो हमारा हो जाता है एक्स वाई की पावर ए ठीक है तो इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई करते हैं सेवन की पावर वन अपॉइंट टू है मल्टीप्लाई एट की पावर वन अपॉइंट टू है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सेवन इंटू एट की पावर वन अपॉइंट टू क्लियर अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स की पावर वन अपॉइंट टू तो ये आंसर हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाता है तो ये क्वेश्चन भी अब हमारा हो गया तो आज मैंने आपको वन अपॉन सिक्स भी कंप्लीट करवा दी है क्लियर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं